आपका टूर खत्म हो गया, आप जा रही हैं, हाँ, तो हमको तो आपकी बहुत बहुत याद आएगी। हाँ, बहुत बहुत बहुत। बस अब आप लोग मुझे याद करें इसलिए मैं आप दोनों के लिए तोहफा लेके आई हूँ। अरे वाह, अरे तोहफा, गिफ्ट, मारा माते, थैंक्स, वो फाइन, ओके बाय, कितनी मिट्टी छे ना। हाँ वो फाइन, चलो अबे चलो। किधर जा रही? मैं घर जा रही हूँ। पर अभी तो टूर खत्म नहीं हुआ। नहीं, अरे तुम्हारा टूर खत्म हो जाएगा जो तुमने ज्यादा चपड़ चपड़ की इसके साथ। हाँ तू जा, मैं ये तोहफा देने आई हूँ। थैंक यू। हाँ जा भाई जा। ओके बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी, यू आर एन इंडियन? यस। कैन आई चेक योर बैगेज? ओके यू कैन गो। Hello, is there an Indian group? Yes. Can I check their rooms, please? Yes. I have a warrant to check your room. What? Excuse me, you can't just get into my room like this. One more packet? But that's a gift. These are drugs, madam. What? Drugs? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हमको माफ कर दीजिए। देखिए, जो लड़की हमारे साथ बस में ट्रैवल कर रही थी ना, उसने हमको ये गिफ्ट दिया था। अरे भाई, हमको क्या पता कि वो हीरोइन हमको हेरोइन देगी। ओ, गलत टाइप का काम हमने आज तक किया ही नहीं है। ओ, हिंदी तो आती नहीं है इसको। प्लीज सर, वी ऑल आर इनोसेंट, दैट लेडी हैज गिवन अस ऑल दिस, बिलीव अस सर, दिस इज नॉट अस। वेयर इज योर पासपोर्ट? क्या किया तुमने? वेयर वर यू राज? क्या किया तुमने? क्या किया आप लोगों ने? वो लड़की हमें गिफ्ट के नाम पे ड्रग्स दे गई है, और पुलिस वाला कहता है हम में से कोई नहीं बचेगा। वो मिनी स्कर्ट वाली बहन, उसने हमें गिफ्ट दिया। शी इज अ ड्रग डीलर। ओह माय फ्रेंड संजय इज गॉन। एक और फोन करना पड़ेगा मुझको। एक्सक्यूज मी, ओह माय फ्रेंड इज गॉन। Excuse me. These all people are innocent. I'll just make a call to my country and I'll be back in 1 minute. Please give me one minute, sir. Excuse me. Yeah? Come back to call, please. Yes, please. Thank you very much. हाँ, ओके, बाय बाय, सी यू लेटर। हेलो, हाँ राज। हाँ हेलो संजय। हाँ तू सुसाइड कर ले भाई। तू किस तरह की बातें कर रहा है यार? अरे तेरी बीवी ड्रग्स स्मगलर निकली यार। वो स्मगलिंग क्यों करने लगी यार? तू मेरा दोस्त है, वो तेरी बीवी है, ये जानते हुए भी मैं उसको अंदर करवा रहा हूँ। नहीं, तू ऐसा मत कर राज। बिकॉज यू नो, वो अपने जुर्म का फंदा कुछ मासूम लोगों के गले में डाल रही है। आई विल नॉट लेट इट हैपन मैन। राज प्लीज मेरी बात सुन। राज, क्या हुआ आज? कैरी, मैं बर्बाद हो गया है। क्यों? तेरी वाइफ ड्रग स्मगलर निकली है। स्मगलर? क्या आप उसको पॉकेट मनी नहीं देते थे? सब फॉलो मी सब। पुलिस, नोबडी विल मूव। होल्ड इट, नोबडी विल मूव मैन। Passport. Give the passport, Dad. Give it to me. Give the passport to me. हाँ, यूरोप घूमने के बहाने ये सब कर रही हैं आप? एक फुल तीन माली? अरे आपके करेक्टर को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल देना चाहिए भाभी। भाभी? कौन भाभी? अरे मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। Big bullshit, she's a big liar. Take her away. You are under arrest, Miss Mona. No, she's not Mona. She's Anjali. She's Mona, darling of drug smugglers. Can I see her passport? See ya. तो अगर ये मोना है तो असली अंजलि कौन है? पप्पी बे, गिफ्ट देने का भले लेकिन लेने का कभी नहीं। बड़ी झूल ले लाल, इस बार बचा ले, फिर कभी किसी छोकरी से गिफ्ट नहीं लेगा। Well, Mr. and Mrs. Paidas Patel, this is your passport. And your passport too. Please go. Thank you. Mr. and Mrs. Prakash Chaudhary, your passport. Go away from here, quickly. Mr. and Mrs. Bakhiani. And who is Anjali Khanna? Your passport. Thanks. Thank you.
Who is doing this, huh? मुझसे कोई भी लड़की इस तरह की हरकत करे मुझे पसंद नहीं, ओके? हमको क्यों बोल रहा है भाई? तुमको नहीं बोल रहा, ओके? हाय, तुम्हें माउथ ऑर्गन बस में भूल गए थे। बिजी लग रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? Yeah, I'm going to hell. मैं भी साथ चलूं? वीजा है? तुम साथ लेके चलो तो सही, वीजा भी ले लूंगी। Very funny. नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? जी नहीं, आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मुझे से गलती हो गई। I'm sorry. No, I'm sorry. राज, तुम सचमुच के जा रहे हो? कहीं नहीं, अपने घर जा रहा हूँ। Now cool, हाँ? Relax. Don't try all these tricks on me. Come on, leave me. Leave. Why? Leave it, I said. Leave it. Cool. Relax, okay? Yeah, yeah, relax. Just relax, yeah? अबे क्या बोल रहा है तू? तू वापस आ रहा? हाँ यार, बहुत हो गया अभी। मुझे ये डिटेक्टिव का काम नहीं करना। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया के शादी करके अच्छी सी जिंदगी बसर करूँ। क्या? शादी करना चाहता है? हेलो, शादी के बाद मुझसे जरूर मिलना, क्योंकि सैटर्न में बहुत जल्दी डिवोर्स की जरूरत पड़ती है। मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। मैं मुंबई आऊंगा ना, उसके बाद तू मुझे एक बार मिलना, बस उसके बाद तू दुनिया के लिए यादगार बन जाएगा। बहुत मायूस लग रहे हो भाई। क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं बाजू वालों को नहीं बताऊंगा। अरे क्या बताऊं यार, संजय की बीवी समझकर जिसकी मैं जासूसी कर रहा था वो कोई और निकली, और कोई और समझकर जिससे मैं प्यार कर बैठा वो संजय की बीवी निकली। अबे तूने इसे क्या बोल दिया, बेहोश हो गया ये? वो होश में भी आ जाएगा ना तो तुझे नहीं बताएगा। तू सिर्फ इतना सुन ले कि मैं इंडिया आ रहा हूँ यार। देख, अगर तू बगैर सबूत के वापस आए ना तो मेरे पास नींद की गोलियां जो मैं चाय के प्याले में डालकर मैं वो सारी चाय पी जाऊंगा और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाऊंगा। ए संजय, ऐसा मत करना यार। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए सबूत ढूंढ के ला रहा हूँ यार। अरे मिल गया। अरे अरे क्या हुआ? अरे तो हर पति के खिलाफ सबूत मिल गवा देखा। अरे ये तो मेरी फोटो है। अरे साइड फेस से जुड़े लग रही है, देखिए। कैरी अंकल। डायल लग रही है, देखिए। कैरी अंकल। अरे परकटी मुर्गी साली मंकिया। कैरी अंकल। अरे जी करता है पेट वाइट दबाए देने का साली। कैरी अंकल। हां ये मेरी फोटो है। अरे भाई दास भाई चौधरी साहब इधर आओ। वो क्या हो गया पाल? ये देखो ये मसाज पार्लर है। हाँ टिकली। ओ माइनस भाई, मेरे को तो बोर्ड देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 अंग्रेज लड़कियां है ना मेरे बदन को दबा रही है, मेरे को मजा आ रहा है। अरे साईं, मैं तो फॉरेन घूमने के बहाने इधर इंग्लिश मसाज कराने आया नहीं। तो मैं भी तो गोरे लोगों के हाथों अपना बदन दबवा नहीं आया था। और मेरे कैरेक्टर के बारे में तो आप भाभी जी से पूछ सकते हो। तो चले अंदर। लेकिन अगर बीवियों को पता चला तो? हाँ यार। अरे साईं, एक बार अंदर जाएगा नहीं तो लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, दोनों लोग वाइफ को भूल जाएगा। कोई गड़बड़ होगी ना तो मेरी जवाबदारी। चलो चलो जल्दी चलो। वाह, सच पार्लर। तीनों गए अंदर। याद है कि रेशम का गोला है यार, ऐसे फिसलता है कि मजा आ रहा है यार। ओ भाई दास भाई, मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओ आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ आप मेरे घर पे आइएगा, मेरी पत्नी को देखिएगा, एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है, सफेद भूतनी? नहीं भाई, चांस तो नहीं लगा कभी। मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई, मेरी भाभी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब, मैंने कान और फ्यूज उड़ा हुआ है, वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई, क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ भाई। या या या। अच्छा कि आप दोनों ने, ऐसे ही मारना चाहिए, देखते हुए मेरे जैसे शरीर पति को सटाएंगे नहीं। हाँ हाँ, वैसे आपकी पत्नी यहाँ आने वाली नहीं। वो तो शॉपिंग के लिए गई है, पर डोंट वरी, हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना, लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब